आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का मोदी सरकार पर हमला, कहा देश को बीजेपी रही डबल इंजन सरकार की जरूरत। जयललिता की पार्टी में जंग, पलानी स्वामी को चुना गया पार्टी का अंतरिम महासचिव। गुजरात में आसमानी आफत का कहर, अहमदाबाद में लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। एक्टिविस्ट मेघा पाटकर के खिलाफ हुई एफआईआर, दान में मिले फंड के गलत इस्तेमाल का है आरोप। स्पेन से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हुई भारतीय टीम, हॉकी टीम पूरे टूर्नामेंट में नहीं मिल रही एक भी जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने राष्ट्रपति को खून से पत्र लिखकर मांग की है कि उन्होंने पत्र में लिखा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद के चलते विवादित स्थान को सील कर दिया जाए। कुछ लोग साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में कोर्ट और सीएम योगी से भी प्रार्थना पत्र दिया गया है। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को अपने खून से चिट्ठी लिखी है और उसमें यह अनुरोध किया है कि मथुरा शाही ईदगाह को सील करने की कृपा करें, क्योंकि हमारा और शाही ईदगाह वालों का वहाँ विवाद चल रहा है, जो विवाद नंबर 174/21 है मथुरा न्यायालय में। तो ऐसे में जब हिंदुओं को जाने की मां अनुमति नहीं है, वहाँ कान्हा का जन्म हुआ था, वही प्राचीन मंदिर जिसको कथित ईदगाह कहते हैं, उसको सील करने की कृपा करें, क्योंकि वहाँ ये लोग जाकर प्राचीन साखियों को नष्ट कर। फरखाबाद में एसओजी टीम और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे बदमाशों से एसओजी टीम और पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश समेत दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाश घायलों समेत 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के बाद डॉक्टरों ने दोनों घायल बदमाशों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। ये आज थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर के द्वारा कि कुछ लोग हैं जो कि धीरपुर पटना के पास में जो गौशाला है उसके पास में, उनके द्वारा वो संदिग्ध हैं और उनके द्वारा चोरी या डकैती की योजना बनाई जा रही है। उसी क्रम में जो हमारी थाना मोहम्मदाबाद की पुलिस है, साथ ही साथ हमारी एसओजी टीम, कुल 17 लोग मौके पे गए। मौके पे जाके घेराबंदी की गई, उनको चेतावनी दी गई, ललकारा गया, तो उनके द्वारा तुरंत से पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। उसी क्रम में पुलिस के द्वारा अपने बचाव में जो मिनिमम फायरिंग है वो करते हुए, मिनिमम बल का प्रयोग करते हुए, हिकमत अमली का उपयोग करते हुए इन सबको दबोचा गया, पकड़ा गया। तो कुल 5 लोग उसके अंदर अरेस्ट हुए हैं और उनके पास से 2 तमंचे और अवैध तमंचे और अवैध कारतूस और जो मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत लूट और डकैती करने का था, जिसके लिए इकट्ठा हुए थे। और इस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुटबंद किया है, जिसके अंतर्गत ये 5 लोग अरेस्ट हुए हैं और एक 25,000 का इनामी भी इसके अंदर पकड़ा गया है। और इसमें FIR दर्ज करके आगे की जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इनको जेल भेजा जाएगा। कुल कितने अपराधी अरेस्ट हुए? कुल 5 अपराधी हैं जिनसे मैंने बताया, जिनमें से 2 थाना नवाबगंज के HS हैं और उनमें से एक जो रामजीत है वो 25,000।
कानपुर में कुएं से निकली जहरीली गैस से 3 युवक कुएं के अंदर ही बेहोश हो गए। गांव वालों की सूचना पर पहुंची बिल्लौर पुलिस ने गांव के लोगों को और पुलिस की मदद से 3 युवकों को कुएं से बाहर निकलवाया, जिसके बाद इलाज के लिए तीनों युवकों को ले जाया गया बिल्लौर CSC, जहां से कानपुर हेल्थ तीनों युवक रेफर किए गए हैं, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 लोगों को हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इलाज के दौरान शैलेंद्र, योगेंद्र और प्रदीप की मौत हो गई। की घटना है, पड़िया गिर गई थी पानी में कुएं में, एक लोग गया उसको बांधने, अब पड़िया जानवर है, कुआं छोटा है तो वो बांध दिया उसने, मगर वो मूर्छा हो गया। दूसरा लोग गया, दूसरा जब चला गया वो भी मूर्छा हो गया, उसका भाई, अब भाई भाई कहीं खड़ा हो तो जाएगा जो, वो भी गया। तीसरा भी चला गया, चौथा आदमी गया, उसको रस्सम बांध के डाला गया, वो को मूर्छा आ गया, खींचा गया भाई। मगर 7:30 बजे घटना हुई है। आपने पुलिस को सूचना? अच्छा, 2 सगे भाई, एक लड़का अलग था, 3 लोगों के। मान लो पुलिस पहुंची तो वो क्या करेगी बताओ, कूद तो जाएंगी नहीं उसमें। ओके, बिल्लौर थाना अंतर्गत गौरी गांव में एक कुएं में एक भैंस का बच्चा गिर गया था, उसको बचाने के लिए कुएं में 3 18 से 22 साल के लड़के तथा एक 40 साल का व्यक्ति कुएं में उतरे तो चारों जो है उसमें बेहोश हो गए। सभी को बाहर निकाल लिया गया है, उनको अस्पताल में CSC बिल्लौर में प्राथमिक उपचार के बाद हेल्थ के लिए रिफर किया गया है। अभी तक सबकी हालत ठीक है और एक उसमें जो सबसे बुजुर्ग था राम बहादुर, उसको होश भी आ गया। लगभग उम्र इसकी 40-45 वर्ष है। दूसरा शैलेंद्र सनाप राम कुमार 22 वर्ष, तीसरा योगेंद्र सनाप राम कुमार 20 वर्ष और चौथा प्रदीप सनाप। अलीगढ़ के थाना गुंडा क्षेत्र के गांव जगनेर में प्यार का परवान इस तरह चढ़ता दिखाई दिया कि एक फौजी ने अपनी ही बेटी और पत्नी के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि फौजी के पत्नी होने के बावजूद भी एक दूसरी महिला से शादी कर ली। इस बात की भनक पत्नी को लगते ही पत्नी और पति के बीच में आर्मी कोर्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसको लेकर आक्रोशित पति ने इस घटना को अंजाम दे दिया। राहुल जी, ये कौन है जो घायल है? ये मेरी मौसी जी है, मौसी जगनेर। इनका नाम बताइए। इनका नाम कुसुम देवी है। कुसुम, और इनके पति का नाम? इनके पति का नाम है सुनील सिंह। अच्छा, ये घायल हुए कैसे? घायल हुए ये ऐसे घायल हुए कि इनके जो पति, इन्होंने 1.5 साल से 2 साल पहले दूसरी शादी कर ली थी, इसके अवज में हमने केस डाल रखा है, चल रहा है और वो फौज में है। अच्छा, मेरी मौसी जी है फौज में, हमने वहाँ पर भी केस डाला है। लेकिन आज आपने फौज में भी केस तो कनक, आपके साथ किस लोगों ने मारपीट की है? पापा जी हैं, उन्होंने दूसरी शादी की है उसने, और उसके जो साला जी है ना, उसके भाई है। आपके पापा ने जो दूसरी शादी कर ली है, उनके साले ने आपके साथ मारपीट किया, क्यों मारा आपको उन्होंने? गाली थी, उन्होंने पेन पास किया, मैंने बोला ऐसे क्यों बोल रही हो, तो उन्होंने मारा। कुसुम, अच्छा, कहाँ आपके पति का नाम क्या है? कुसुम जी, सुनील सिंह। कहाँ रहती हैं कुसुम जी? जगनेर में। जगनेर थाना कौन सा आपका? गोंडा। आप घायल हैं, कैसे घायल हूँ? मेरे पति ने मारा, हम यहाँ चारा काटने आए थे। पति ने आपको मारा है, कारण? रायबरेली में कुछ दबंगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में युवक का गला बुरी तरह से जख्मी हो गया। दरअसल पवन कुमार शर्मा किसी काम से रामचंद्रपुर रोड पर गया था। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान घायल युवक ने हमलावरों के नाम अरविंद सिंह और मोहित बताया। कौन है आपका लड़का? है पवन। आपका लड़का है, क्या हुआ इसको? चाकू मारा गया। कहाँ पे घटना हुई है? बाबूगंज बाजार में। कौन लोग मारे हैं चाकू? अब यहाँ दीदी साहब बता सकते, हम लोग तो गांव में थे। अच्छा, आपको जानकारी। अलीगढ़ जिले के तहसील अतरौली में वृंदावन से छर्रा लौट रहे लोगों पर पहले से ही घात लगाए बैठे बहन के ससुरालियों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना को अंजाम अतरौली के अवंती बाई चौराहे पर दिया गया। इस घटना में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल सभी का इलाज अतरौली CSC में चल रहा है। आपको बता दें कि घायल
हुए लोगों में अंशु की बहन शालिनी के ससुरालियों का पहले से ही संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। इसके साथ ही घायल अंशु ने 5 नामदर्ज लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। घर का मैटर चल रहा है, उसमें बातचीत के लिए बुलाया था। हम वृंदावन से लौट रहे थे, मैं अपने दोस्तों के साथ वृंदावन से आया था, तो मैं लौट रहा था वृंदावन से चल रहा, तो ट्रॉली रानी अवंतीबाई चौराहे पे ये कुछ लोग पहले से ही वहाँ खड़े हुए थे, तो जैसे ही हमने गाड़ी रोकी तो कौन लोग थे वहाँ जो खड़े हुए थे? वही थे, अतुल था एक जो दीदी का देवर है और उसके साथी थे, उन्होंने जो है तेज धारदार हथियार वगैरह करते ही हम पे हमला कर दिया और ईंटें और हमको। प्रयागराज में बाइक सवार बदमाशों ने 4-पहिया वाहन रोककर गोली मारी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। घायल युवक को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रधानी के विवाद को लेकर गोली मारी गई, बाइक सवार बदमाश गोली मारकर मौके से फरार हो गए। ये मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के श्रृंगारवेपुर का है। गाड़ी पे सामने गाड़ी के हरों को पेशाब करते हैं, पेशाब करने के 2 लोग इसमें निकले, नीरज सिंह धीरज सिंह, इनके पिता जिगना राम सिंह सनाप राम सिंह गांव करमायन वर्तमान प्रधान है सर, जो हमको हरा दिए है। ये निकले इतने को दोनों शूटर ने गोली मारने शुरू कर दिया जो गाड़ी में थे, तुरंत गोली का प्रहार होने लगा। पहली गोली मेरे ऊपर, मैंने कूद के भागा, मिश्रा जी हमारे साथ थे, इनके ऊपर भी प्रहार होने लगा, हमको गाड़ी वाले एक लोग दौड़ता में बैठा लिए, फाफा माऊ के लिए आ रहे थे, उनके साथ हरेंद्र मिश्रा भी कार में सवार थे। तभी श्रृंगवेरपुर के पास 2 व्यक्ति जिनका नाम नीरज सिंह और धीरज सिंह है, उन्होंने गाड़ी को रुकवाया और फायरिंग की। मौके पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उन्हें यहाँ CHC कोडिहार में रेफर किया गया था, जिसके पश्चात SRN हॉस्पिटल में संतोष सिंह को लाया गया है। उनके परिजन आए हुए हैं, प्रतापगढ़ से परिजन आए हुए हैं, उनसे तहरीर लिखवाई जा रही है, बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दोनों व्यक्तियों के लिए टीम रवाना है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और सभी आवश्यक। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।